नमस्कार, आप देख रहे हैं द पीपल वॉइस। मैं हूं आपके साथ रुपल शर्मा। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। राजस्थान में आज सभी जगह पेट्रोल पंप बंद रहे, उसी के चलते दौसा में भी कई जगह पेट्रोल पंप बंद नजर आए। इस संदर्भ में दौसा जिले के पेट्रोल पंप के अध्यक्ष लोकेश शर्मा ने बताया कि राजस्थान में वेट की दरें और राज्यों से अधिक है। इस संदर्भ में राजस्थान पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन के तत्वाधान में पेट्रोल पंप बंद रखे गए हैं। पेट्रोल पंप कर्मचारियों की मांग है कि राजस्थान में पेट्रोल डीजल पर वेट की दरें कम की जाए। अगर राज्य सरकार ने इनकी मांग नहीं मानी तो आने वाली 25 तारीख को अनिश्चित काल तक के लिए पेट्रोल पंप बंद रखे जाएंगे। राजस्थान राज्य में वेट की दरें और राज्यों के मुकाबले सर्वाधिक है। इस संदर्भ में आज राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के तत्वाधान में राजस्थान के सभी पेट्रोल पंप बंद रखे गए और हमारी मांग ये है कि राजस्थान में वैट की जो दर है वो पंजाब के बराबर की जाए, ताकि जो अतिरिक्त भार जनता को झेलना पड़ रहा है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वो ना झेले। कोविड 19 गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर विगत 8 तारीख को सीज की गई 7 दुकानें फिर से खोली गई। आपको बता दें, 3 दिनों के लिए नगर परिषद टीम द्वारा इन दुकानों को सीज कर दिया गया था। इसकी अवधि पूरी होने पर नगर परिषद टीम द्वारा उन दुकानों को फिर से खोल दिया गया है। नगर परिषद के अग्निशमन प्रभारी धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि यह अभियान कई दिनों से चलाया जा रहा है और आगे भी चलता रहेगा। 7 तारीख को 7 दुकानों को सीज किया गया था। एसटीओ साहब और कमिश्नर महोदय नगर परिषद दौसा के द्वारा संयुक्त कार्रवाई, जो कोविड 19 गाइडलाइन की पालना नहीं किया रहे थे उन दुकानों को सीज किया गया था और आज समावधि पूर्ण होने पर इन दुकानों को वापस खोला जा रहा है और इनके द्वारा एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर इसके अंदर कोविड गाइडलाइन की पालना करने का वचन दिया गया है और इनको भविष्य में इस प्रकार का कृत्य ना हो, तरीके की हिदायत देते हुए वापस इन दुकानों को खोला जा रहा है। अब खबरें मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के खाचरौद में कोविड 19 टीकाकरण की शुरुआत की गई। सरकार के आदेशानुसार 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को कोविड 19 टीकाकरण करवाने का कार्य शुरू हुआ। वर्धमान स्थानक वासी ओसवाल जैन मांगलिक भवन में टीकाकरण कार्यक्रम किया गया। राजेश कटारिया ने बताया कि जैन सोशल ग्रुप द्वारा अभी तक 150 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसके बाद भी बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन का कार्य किया जाएगा। साथ ही सभी आमजन से टीकाकरण में सहयोग करने की अपील की। 150 वैक्सीन लग चुकी है और टारगेट 300 वैक्सीन का है। अभी संभावना है शाम तक और कितना? हाँ, संभावना है बिल्कुल हो जाएगी शाम तक। और मैं जैन सोशल ग्रुप में अध्यक्ष बोल रहा हूँ, राजेश कटारी। वो प्रयास हमारी संस्था का है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगे, किसी को कोई परेशानी नहीं आए। मध्य प्रदेश के खाचरौद नगर को कोरोना संक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए प्रशासन एक्टिव मोड पर नजर आ रहा है। तहसीलदार मधु नायक ने कोरोना संक्रमण से बचाव के मद्देनजर सभी धर्म के आगामी त्योहारों को घर में मनाने की अपील की है। इसी कड़ी में खाचरौद प्रशासन द्वारा शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें रमजान, गुड़ी पड़वा सहित अन्य धार्मिक त्योहारों पर कोरोना गाइडलाइन का पालना करने की अपील की गई। प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। उज्जैन सहित अन्य जगहों पर स्थिति भयावह है। कोरोना संक्रमण से बचना है तो सभी को नियमों की पालना करना जरूरी है। मध्य प्रदेश के खाचरौद में व्यापारी संघ इकाई द्वारा कोरोना वैक्सीन टीकाकरण के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इंदौर की तर्ज पर टीकाकरण अभियान में 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगे, इसी मंशा के साथ SDM पुरुषोत्तम कुमार ने शिविर का शुभारंभ किया। विधिवत पूजा अर्चना कर शिविर की शुरुआत की गई, जिसमें SDM पुरुषोत्तम कुमार का माल्यार्पण कर व शॉल उढ़ाकर स्वागत किया गया। हमारे खाचरौद नगर में भी चल रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी चल रहा है और इसमें जो है सामाजिक संस्थाएं भी आगे आ रही हैं। कल ही जो है यहाँ जैन सोशल ग्रुप ने भी किया था और आज जो है किराना व्यापारी संघ की ओर से जो है हमें सहयोग प्रदान किया गया है। एक अच्छी पहल है। मैं समाज के सभी वर्गों से आग्रह करूँगा कि सभी लोग इस तरह आगे आएँ और अधिकाधिक लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन कराने में मदद करें। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए द पीपल वॉइस।